ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो क्यों इतने व्याकुल हो? हे भोलेनाथ, आपकी पृथ्वी का ताजा हाल बताने के लिए हम आए हैं। त्रिकालदर्शी महादेव हालांकि पृथ्वी का सारा नियम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें खुलकर बताइए। पृथ्वी पर आज के मनुष्य का भगवान पर से श्रद्धा भक्ति विश्वास सब कुछ खत्म हो गया है। आजकल अन्याय दुर्विचार अनाचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, गरीब भक्तों को सभी जगह मंदिर के अंदर जाने के लिए मना किया जा रहा है, जिसका फल है कि आदमी का आदमी पर विश्वास ही नहीं रहा और अजीब हाल में जीवन बिताना पड़ रहा है। ऐसा सदैव ध्यान मग्न महादेव के अगोचर में पृथ्वी पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, पर अपनी आंखों से देखकर भी विश्वास नहीं होता। ये बात, समय रहते हुए उपाय नहीं किया गया तो पृथ्वी का अकारण नाश तो निश्चित है। इसका उपाय कीजिए महादेव। शांत हो जाए और अपने कार्य में वापस लग जाइए। इसके बाद जो कुछ करना है हम ही करेंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। ऋषि मुनियों का ये उद्वेग क्या चिंता का कारण नहीं? अवश्य चिंता का कारण है। इसी चिंता को जड़ से नष्ट करने के लिए हम स्वयं पृथ्वी पर जाएंगे। स्वयं भोलेनाथ, स्वयं ही पृथ्वी पर किसी एक प्रांत में जाकर हम कुछ दिन तक रहना चाहते हैं। हाँ पार्वती, जहाँ मनुष्य आसुरी शक्तियों से दूर रहता है। ऐसा ही एक गांव जहाँ मनुष्य आज भी प्रकृति के नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, और वही मिलेंगे हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर। चलो हम सब मिलके बाबा शिव के चरण छुए, चलो हम सब मिलके बाबा शिव के चरण छुए, मन की मुराद सारी पूरी करेगा। भोले बाबा दयाल बाबा पार करेगा, भोले बाबा दयाल बाबा पार करेगा। बम 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 भोले बम, तारक बम भोले बम, बम 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 भोले बम, तारक बम भोले बम। हो त्रिकालदर्शी जटाधारी समझे दुखी मन, तेरी सेवा करे जो धन्य वो जीवन। हाँ धन्य है जीवन, चरणों में हम तेरे मन की मुराद लेके आए, आज हम तेरे घर से जाएंगे ना। भोले बाबा दयाल बाबा पार करेगा, भोले बाबा दयाल बाबा पार करेगा। बम 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 भोले बम, तारक बम भोले बम, बम 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 भोले बम, तारक बम भोले बम। अरे ओ भोला की माँ, सुना है तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, दवा ववा लेके नहीं? वक्त बहुत खराब चल रहा है। जय तुलसी माँ। कहो अब कैसी हो? बढ़िया है, शरीर का कोई दोष नहीं। देख के बैठो। हाँ अरे हाँ, अब ठीक है। अरे बाबा उम्र हो गई ना। सिर्फ उम्र नहीं भोला की माँ, ये बोलो बुरी चिंता। परेशानी क्या कोई मामूली परेशानी? परेशानी मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती है दीदी। बढ़िया से कॉलेज से पास होके निकला, ऐसा लगा इस बार घर गृहस्थी में मन लगाएगा। किसे कहूँ,
सुनो ना, मैं उसके लिए कोई लड़की देखूं? तब तो हो चुका। उसकी इच्छा है कि वो और पढ़ाई लिखाई करे। हे भगवान, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ दीदी, सब बाबा भोलेनाथ जी की कृपा है। तो भोला कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो घर में नहीं है क्या? वो तो सुबह उठते ही नदी में नहाने चला गया। सुबह उठ के बाबा को पानी चढ़ाने के बाद ही उसका दिन शुरू होता है। ए, कहां जा रहे हो? क्या? बाबा के मंदिर जा रहा हूँ, उन पर जल चढ़ाने के लिए। आज्ञा नहीं है। मतलब? मतलब का क्या मतलब? चौधरी साहब आ रहे हैं मंदिर में जल चढ़ाने, और उनके जल चढ़ाने से पहले गांव में किसी को भी जल चढ़ाना मना है। ये क्या, चौधरी साहब ने पैसे देकर इस मंदिर को बनाया है? इसका मतलब तो बाबा के ऊपर एकमात्र चौधरी साहब का अधिकार है। ठीक कहा। वर्षों से चौधरी परिवार इस मंदिर की मरम्मत और देखभाल करते आ रहा है, और सिर्फ ये मंदिर ही नहीं, इस मंदिर के पुरोहितों को भी हमारे आगे हाथ फैलाना पड़ता है। इसीलिए इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार हमको सबसे पहले है। चौधरी बाबू, पैसा खर्च करके तो मंदिर तो बना लिया जाता है, लेकिन देवता नहीं खरीदे जा सकते। देवता को खरीदने के लिए चाहिए शुद्ध साफ मन, भक्ति, श्रद्धा और निश्चल प्रेम। बाबा भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि बेलपत्र से संतुष्ट हो जाते हैं, और उनके भक्तों को कष्ट देकर बाबा भोलेनाथ को और रुष्ट करना ठीक नहीं है। पैर पड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। चुप रहो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे अच्छी तरह पता है। ये मंदिर हम लोगों की खानदानी संपत्ति है, इसका अच्छा बुरा हम ठीक से जानते हैं। हटो। रुष्ट हो गए बाबा भद्र, रुष्ट हो गए। इसका आखिर उपाय क्या है? बोला भोला ही एकमात्र है जो रूठे हुए बाबा को मना सकता है। भोला? ये भोला कौन है? भोला इसी गांव का लड़का है, बाबा महादेव का परम भक्त। जैसे भी हो भोला को बुलाओ, उसको जल्दी खबर दो। बुलाओ भोला को, बुलाओ भोला को, जल्दी बुलाओ भोला को। बुलाइए ना पुजारी जी। सुनो सब लोग, आप सब जल्दी जाके भोला को बुला के लाओ, क्योंकि भोला ही एकमात्र व्यक्ति है जो महादेव का गुस्सा शांत कर सकता है। सृष्टि अध्वंस कृष्ण यतंस, किसको चाहो आज तुम? सृष्टि विधाता ध्वंस विधाता, एकाकाश की भूमि। विश्वास में भगवान त्वर्क से बहुत दूर, फिर क्यों प्रलय आए? सबसे बड़ा नास्तिक घर हो आस्तिक, विधाता तो छुप के हंसे। विधाता तो छुप के हंसे। सृष्टि अध्वंस कृष्ण अतंस, किसको चाहो आज तुम? सृष्टि विधाता ध्वंस विधाता, एकाकाश की भूमि।
तूफान, टूट जाए गरीबों का ख्वाबों का जहां। ओ दीदी तुम क्षमा करो, रुक दो तूफान, टूट जाए गरीबों का ख्वाबों का जहां। मानव को शिक्षा दो तुम भिक्षा, मानव को शिक्षा दो तुम भिक्षा, हृदय में उनके भक्ति आए, विधाता तो छुप के हंसे। बाबा तुम दयालु हो मंगल में, तुम्हारे सेवा में सब पाप धुल जाए। ओ बाबा तुम दयालु हो मंगल में, तुम्हारे सेवा में सब पाप धुल जाए। सुंदर पृथ्वी सृष्टि तुम्हारी, सुंदर पृथ्वी सृष्टि तुम्हारी, मेघ हटा के तुम धूप खिला, तेरी रोशनी से अंधेरा मिटे। सृष्टि या ध्वंस, कृष्ण या कंस, किसको चाहो आज तुम, सृष्टि विधाता ध्वंस विधाता, एक आकाश एक ही भूमि। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय जय। धन्य हो भोला, धन्य हो तुम्हारी भक्ति, तुमने आज असाध्य को साध्य कर दिया। क्या बोल रहे हैं आप? अरे बाबा जैसे बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, बाबा ठीक वैसे ही शांत भी होते हैं। बाबा की लीला अपरंपार है। भोला, धन के अहंकार में बिना समझे बिना सोचे जो मैंने काम किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आपने जब अपनी गलती स्वीकार कर ली है, तब तो बाबा अवश्य आपको क्षमा कर देंगे। जय बाबा भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। आज से ये मंदिर सभी लोगों के लिए खुला रहेगा। जय बाबा भोलेनाथ की, जय बाबा भोलेनाथ की, जय बाबा भोलेनाथ की, जय बाबा भोलेनाथ की। अपनी आंखों से देखे बिना तो विश्वास नहीं करोगी। हाँ? हम सब भी तो वहीं पर थे। हम सब अच्छा? कह रहे थे कि ऐसा हाँ? चमत्कार तो हमने पहली बार देखा। हाँ? गांव में सब लोग कह रहे थे कि भोला के अंदर कोई शक्ति समा गई है। हाँ? तुम खुद ही सोचो ना, भोला एक गाना गा के इतनी बड़ी आंधी को रोक दिया। तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था भोला की माँ कि तुमने एक हीरे को जन्म दिया है। हाँ, वो तो सब ठीक है दीदी, सब समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सच बोलूँ दीदी, इसीलिए हमेशा डरी डरी सी रहती हूँ। उसको तो घर गृहस्थी दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, हमेशा पढ़ाई लिखाई और बाबा भोलेनाथ के ध्यान में पड़ा रहता है।
अच्छा दीदी, मेरा बेटा सन्यासी तो नहीं हो जाएगा ना? ये सब तो पहले से कहा नहीं जा सकता ना। सुनो, मैं एक बात कहती हूँ, सुनोगी? हाँ, बोलो। बेटे को आगे पढ़ाने के बजाय उसकी शादी करके देख लो। ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन दीदी, लड़की कहाँ मिलेगी? वो तो ठीक ही कहती हो, किसी के साथ भी तो भोला का ब्याह नहीं कर सकते, लड़की भी तो भोला के लायक होनी चाहिए। वो एक कहावत है ना, जैसे भगवान वैसा ही पुजारी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। भैया मैं भी वही बोल रहा हूँ, तू भी ना बहन। क्यों, मैंने क्या किया? क्या किया है? जो रोज करती है वही किया है। ठीक जैसे ही मेरी पूजा शुरू होती है, तेरा ये डमडम बाजा बजने लगता है। अच्छा, ये बाजा मेरी पूजा शुरू होने के 1 घंटे के बाद शुरू नहीं हो सकता है? ओफो भैया, प्लीज चिल्लाइए मत। ठीक है, आप जो चाहते हैं वही होगा। अब आप जाओ ना बाबा, पूजा के बाद ही बजाऊंगी। पूजा के बाद ही बजाऊंगी, ये रोज रोज की घटना हो गई। सुबह उठने के बाद, सुबह उठ के बाहर ही चला जाया करूंगा, रहूंगा ही नहीं घर पे। ऐसे ढिंचक ढिंचक में क्या कोई पूजा कर सकता है? जरा बताओ तो, सुबह से फुल वॉल्यूम में साउंड चलता है, किसे क्या मन लगेगा क्या पूजा में भला? रुको रुको रुको, क्या हुआ देव साहब? जरूर ये भाई बहन का झगड़ा है। सच में बचपना गया नहीं, छोटे बच्चों की तरह अभी भी झगड़ा करते हुए अच्छा लगता है। झगड़ा नहीं है बंकूलाल, चंद्रानी है ना, दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। कोई बात सुनती ही नहीं है, एकदम घमंडी और जिद्दी हो गई है। वो तो आपकी दुलार में हुई है राज साहब, बचपन से ही बिन माँ बाप के बच्ची को लाड़ प्यार दे देकर। अरे ये दुलार इतना भारी पड़ जाएगा, मुझे मालूम नहीं था। अरे हिंदू घराने की लड़की है, पूजा करने की इच्छा नहीं है तो ना करे, मगर देवता और भगवान पर इतना अविश्वास। उसके लिए आप बिल्कुल मत सोचिए, एक बार चंदा बेटी की शादी तो हो, उसके बाद विवाह। ये तुम ठीक कह रहे हो, जो देवी देवताओं को नहीं मानती वो मर्द को क्या मानेगी अपनी जहरीली आंखों के सामने। अरे तुम रहने दो, 20 उसके लायक चंदा बेटी को अभी तक लड़का मिला नहीं है, इसलिए एक बार मिल जाएगा ना, तब देखिएगा सारा के सारा विष एकदम से अमृत में कैसे बदल जाएगा। अरे ऐसा लड़का कहीं पर है तो बता बंकुलाल, मैं उसे अभी लेके आता हूँ। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, समय आएगा तो देखिएगा वो दोनों खुद व खुद मिल जाएंगे। अरे साहब, इसी को तो बोलते हैं विवाह का संयोग। माँ, माँ, अरे कहाँ हो माँ? क्या हुआ माँ? एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है माँ। अरे बेटा क्या खुशखबरी है? अरे रुक, ये रुक, देखो मुझे आने तो दे। अच्छी खबर है माँ, चौधरी बाबू ने शहर में मेरे ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सच्ची? हाँ माँ। और जानती हो माँ, चौधरी बाबू ने मुझे वहाँ जाकर कोई दिक्कत न हो इसीलिए एक बड़े आदमी के नाम एक चिट्ठी भी लिख दी है। और सबसे अच्छी खबर जानती हो, वो ये है कि वो आदमी उसी कॉलेज का प्रिंसिपल है जहाँ मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अच्छा, सच? हाँ माँ, सच में। हाँ सच में, ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि चौधरी बाबू का हमेशा मंगल हो। जय बाबा भोलेनाथ। अच्छा बेटा। हाँ माँ। कब जाना होगा? कब का मतलब क्या माँ? कल ही जाना होगा, कॉलेज तो कब का शुरू हो गया है। क्या? ठीक है। यही तो मैं बोल रही हूँ। हाँ मैं भी ऐसा थोड़ी कह रही हूँ, मैंने भी तो एक देखी है, सुने तब ना। चलो चलो। हाँ वो तो लो, ये चंद्रानी भी आ गई। हाय चंद्रानी। हाय चंद्रानी। चंद्रानी हाय। चलो हाय। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? क्लास में जाने का मूड ही नहीं है। अगर क्लास नहीं जाना तो यहाँ क्या कर रही हो? लेट्स गो कैंटीन। हाँ चलो 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 यार, आज तो पेटीज खाऊंगी ना, बड़ा मन कर रहा है। अरे बबुआ, पैसा लेके जा। ले। पैसा तो मैं दूंगी, जा अंदर। ए, ए चंद्रानी, ये तू ठीक नहीं कर रही, देख लेना। हाँ
हर दिन कैंटीन में आके तू ही खर्चा करेगी, ये हमारे सम्मान के खिलाफ है। हाँ ए हमारा बिल हम देंगे, दे दो। खाना है तो खाओ, नहीं तो। अरे मैं लड़कों के पैसे से खाती नहीं हूँ, सब लड़कों को मैं खिलाती हूँ। हम सभी लड़कों का अपमान करती हो। चल चुप बैठ तू, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बाहर चले जा। चंद्रानी दिस इज टू मच, प्रिंसिपल की बहनों मतलब जो मन में आए वो नहीं कर सकती। मैं ऐसी ही हूँ, मेरा जो मन करता है मैं वही करती हूँ। और सारे पुरुष जातियों में से मैं सिर्फ एक को ही रिस्पेक्ट करती हूँ, और वो है मेरे भैया। बाकी सारे लोग मेरी नजर में अरे गहरे नत्थू कह रहे हैं। हम सभी लोग नत्थू कह रहे हैं। इनफ इज इनफ इनफ, तुम जैसी लड़की के साथ एक ही टेबल पर बैठा नहीं जा सकता। अरे सुनो एक बात कहूँ, तुम कहीं दोस्त कहा है ना, इसलिए चांटे से काम चलाया। अगर और कोई होता ना तो मेरी जूती उससे बात करती। बहुत बड़ी गलती कर दी चंद्रानी, इस थप्पड़ की कीमत मैं वसूल करके रहूंगा। ए, बैठे बैठे लड़कों का इंसल्ट देख रहे क्या? चलो चलो यहाँ से। थोड़ा सा खा के चलते हैं। ए, रुक 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 रुक, ये ले जा। देख लूंगा बहन आई। ये आपको क्या समझते हैं? चंद्रानी ये काम तुमने ठीक नहीं किया। ए तू चुप कर, तू क्या उन लोगों से डरती है? ए सुन, ये सब लड़के लोग अगर लड़की लोगों का अपमान कर सकते हैं, उनकी इज्जत से खेल सकते हैं, तो लड़कियां ये सब क्यों नहीं कर सकती? हाँ बराबर। सुन मेरा तो मन करता है कि इन सब लड़कों के नाक में रस्सी डालकर इन्हें खूब घुमाओ। बिल्कुल, मैं जो बोलूंगी वो वही करे। उठने को बोलो तो उठे, बैठने को बोलो तो बैठे, उठे बैठे उठे बैठे। मजा आया ना? ये सब क्या है? कौन है ये लड़का? हाँ कौन है? अरे लगता है कोई नया है। माँ गंवार भूत कहीं का, कम से कम मैनर्स भी नहीं है इसमें, इडियट। अरे तू ही सिखा देना। सिखाऊंगी तो जरूर, लेकिन उससे पहले उसकी जानकारी तो ले आओ। सुनो 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 सुनो, एक नया जोक। दूध दोहने का कंपटीशन हो रहा था और सभी के सभी कंपटीशन में भाग ले लिए, और जैसे ही दूने चले गए ने लाश मार दी, और पूछने पे लोगों ने क्या कहा कि हमारे साथ धोखा हो गया, क्योंकि गाय की जगह मिल गई थी भैंस। वो देखो नया बछड़ा। इस तरह जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? हाँ, बताओ बताओ। क्लास में गया था। अच्छा? क्लास शुरू हो गई थी इसलिए प्रोफेसर ने अंदर नहीं जाने दिया। चलता हूँ, मुझे पढ़ना है। अरे इतना नखरा, अरे पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, पहले हमारे साथ में जरा दोस्ती तो कर लो। दोस्ती जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल जरूरी है, और क्या। अरे 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 ये क्या कर रही हो? अरे 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 मुझे छोड़ो, कहाँ लेके जा रही हो? छोड़ो, अरे प्लीज छोड़ो मुझे। अरे कहाँ से आए हैं जनाब? मतलब कहाँ से आए हो? असीमपुर से आया हूँ। अरे एकदम ताजा सॉलिड माल। गांव में खेती बाड़ी छोड़ के अचानक कॉलेज में पढ़ने कैसे आ गए? हाँ। बताता हूँ, जिस कारण तुम लोग चूल्हा चौकी छोड़कर कॉलेज में पढ़ाई करने आई हो वो उसी कारण से। अच्छा। एक मिनट, क्या नाम बताया अपना? अभी तक तो बताया नहीं। तो बता भी दो। भोलानाथ राय। साइलेंस। हाँ तो भोला कुमार जी, तुम्हें एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। किस लिए? इस कॉलेज का नियम, इंटरव्यू में फेल होगा तो कॉलेज में नो एडमिशन। आफ्टर ऑल प्रिंसिपल के बहन की इज्जत का सवाल है। तब तो इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। That's like a good boy. बोलिए। अच्छा बताओ, मुर्गी का अंडा फूटने पर बच्चा क्यों होता है? बोलो।
डर से। डर से? हाँ डर से। बाद में कहीं तुम लोग उबाल कर खाना जाओ इसीलिए। एकदम तैयार माल है, फिर तुम मुर्गी बनकर दिखाओ। ये तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो मर्द हूँ और तुम लोग औरत हो। तुम लोग मुर्गी बनके दिखाओ, मैं मुर्गा बनके दिखाता हूँ। बस और ज्यादा कसना नहीं, एक अच्छा सा गाना गाकर सुनाओ। गाना नहीं मैं। क्यों? अरे मुझे गाना वाना गाना नहीं आता, मैंने गाना गाना सीखा ही नहीं है। क्यों? अच्छा। किसी ने मना किया था क्या? नहीं सीखा बोलने से नहीं चलेगा, यह है यहाँ का नियम, गाना तो गाना ही पड़ेगा। गाओ। हमारे कॉलेज का यही नियम है, जो भी आता है उसे गाना गाना ही पड़ता है। नियम ये हमारा हुक्म भी है। गाओ गाओ ना। नियम तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, गाता हूँ। गाओ गाओ गाता हूँ। प्लीज गाओ। ठीक है गाता हूँ। गा रहा हूँ। गाओ आप। काले कौवे से डरियो, आओ। ये गाना क्या तुम मुँह से गा रहे हो? और कहीं से गाना गाया जाता है क्या? नहीं मतलब। ना मतलब, अगर कहीं और से गाना गाया जाता है तो मुझे पता नहीं है जी। और सुनो। झूठ बोले। बस, बहुत हो चुका, अब गाना गाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बस नाच के दिखाऊं? नाचने की जरूरत नहीं है। उफ, बापरे, तुम्हारा गाना सुनकर हम सबका दिल बहुत भर गया है। बापरे, सुनो, हमारे कॉलेज का एक नियम है, जो भी इस कॉलेज में नया नया आता है उसको हम लोगों से फ्रेंडशिप करने के लिए हाथ में चूड़ी पहननी पड़ती है और चूड़ी पहना के उसे अपना बना लेते हैं। ओके बिल्कुल। पहने रखना, कभी उतारना मत। वादा रहा, जब तक तुम खुद इसको अपने हाथ से नहीं उतारोगी तब तक मैं इसे पहने रहूंगा, तुम्हारे प्यार की निशानी समझकर। और आज का दिन तुम भी मत भूलना। क्यों? क्योंकि एंगेजमेंट रिंग के बदले तुमने मुझे एंगेजमेंट कड़ा पहनाया है। चलता हूँ, क्लास करना है। कैसे एकदम पलटी खा गया ना। हाँ, कहा हम उसको मुर्गा बनाते और वो ही हमें मुर्गी बना के चला गया। इतना आसान है? आओ मेरे साथ, इस बार देखना कौन किसे मुर्गी बनाता है। बिल्कुल। माने पैकेज पढ़ना प्लस प्रेम, कॉलेज माने पैकेज पढ़ना प्लस प्रेम। कब तुम करोगे बुक तुम्हारा आइटम, कैंपस का ये जलवा, मिस न कर तो वो मितवा। हो जाए शुरू आपस में ये मजेदार गेम, ओ छोरा करो तुम प्रेम नहीं तो शेम शेम शेम, ओ छोरा करो तुम प्रेम नहीं तो शेम शेम शेम।
भी आ जाओ जाना, अब तुझे मैं दूंगी चुमा, हो जाए शुरू हम दोनों में मजेदार गेम। छोरा करो तुम प्रेम नहीं तो शेम शेम शेम, छोरा करो तुम प्रेम नहीं तो शेम शेम शेम। आओ, ये है तुम्हारा कमरा, मैं बंकुलाल को भेज देता हूँ, तुम दोनों मिलजुल के कमरा ठीक ठाक कर लो। हाँ चलेगा भाई। चलेगा मतलब, ये तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा तो तू एक काम कर, थोड़ा रेस्ट कर ले, मैं बंकुलाल को भेज देता हूँ। ओके, और एक बात बोलिए। कॉलेज में सबके सामने मुझे सर कह के ही बुलाना। जी अच्छा। बाकी उसके अलावा मतलब घर में भैया याद रहेगा ना? अच्छा सर, सॉरी भैया। गुड बाय। बाय। हाँ सारे पेपर ठीक तरह से भेज दिए ना? नहीं नहीं, जब मेरा हो जाएगा मैं भेज दूंगा। ये लीजिए आपका रात का दूध, पी लीजिए। चंद्रानी सो गई? बहुत देर पहले। हाँ कल मैं तुमसे बात करता हूँ, रात बहुत हो गई है, मेरे फोन का वेट करना। राज बाबू कुछ बोलना चाहते हैं? वो क्या है कि मैं बोल रहा था कि चंदा बहन खाते समय डाइनिंग टेबल पे जिस लड़के के बारे में बता रही थी, वो कहीं हम लोगों का भोला बाबू तो नहीं? लगता तो ऐसा ही है। सर्वनाश। सर्वनाश? सर्वनाश कैसे होगा? सर्वनाश हुआ ना, चंदा बहन अगर उस लड़के को देख लेगी ना तो इतनी चिढ़ेगी कि एक ही बार में उसे कच्चा चबाकर खा जाएगी। और कल सुबह उठने पर चंदा बहन ने जान गई कि वो लड़का हम लोगों के ही घर में है, तो फिर तब की चिंता तभी देखी जाएगी। कितनी महाभारत देखी है, ये वो इधर उधर, इन सब की चिंता मत करो, आज की रात तो बढ़िया से कट जाने दो, बाकी कल देखेंगे। जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर। ओम जवाको शिवशंकाशम कश्यप्यं महादेवं नारदारिं सर्वपापाकं प्राणदोषं दिवाकरं। ओम जवाको शिवशंकाशम कश्यप्यं महादेवं नारदारिं सर्वपापाकं प्राणदोषं दिवाकरं। ओम जवाको शिवशंकाशम कश्यप्यं महादेवं नारदारिं सर्वपापाकं प्राणदोषं दिवाकरं। अरे ये सब क्या है? नारदारिं सर्वपापाकं प्राणदोषं दिवाकरं। ओम जवाकोशम शंकाशम कश्यप्यं महादुतिं नारदारिं सर्वपापाकं प्राणदोषं दिवाकरं। ओम जवाकोशम शंकाशम कश्यप्यं महादुतिं। ये सुबह सुबह पूजा। नारदारिं सर्वपापाकं प्राणदोषं दिवाकरं। ओम जवाकोशम भैया कश्यप्यं महादुतिं क्यों चंदा बहन इतनी सुबह सुबह उठ गई हो? सुबह देर तक सोना मेरे भाग में कहा, सुबह सुबह भैया ने पूजा करनी जो शुरू कर दी, ये भी कोई बात है? राजबाबू पूजा कर रहे हैं ना? राजबाबू तो अभी भी सो रहे हैं। ओम जवाको शमशंकाशम कश्यप्यं महादुतिं नारदारिं सर्वपापाकं प्राणदोषं दिवाकरं। ओम जवाको शमशंकाशम कश्यप्यं महादुतिं नारदारिं सर्वपापाकं प्राणदोषं दिवाकरं। ओम जवाको शमशंकाशम कश्यप्यं महादुतिं नारदारिं सर्वपापाकं प्राणदोषं दिवाकरं। ओम जवाको शमशंकाशम कश्यप्यं महादुतिं नारदारिं सर्वपापाकं प्राणदोषं दिवाकरं। तुम यहाँ? आप? ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहीं रहता हूँ। यहाँ रहते हो मतलब, तुम्हें यहाँ किसने रखा? प्रिंसिपल सर ने। भैया 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 ने तुम्हें यहाँ ठहराया है? जय शिव शंभो। अरे वो तुम्हारे भैया हैं या तो मुझे पता ही नहीं था।
अब ज्यादा बनो मत, तुम जानते नहीं तुम कहाँ मरने आए हो। मरने मरने क्यों, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। भैया को प्यार करने के लिए और कोई मिला नहीं ना, और ऊपर से घर जमाई जैसे। अभी तक तो नहीं हुआ, अगर तुम चाहो तो हो सकता हूँ। शट अप, और एक भी शब्द नहीं, मैं अभी जाती हूँ भैया के पास। अगर आज तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकलवा दिया ना, तो मेरा नाम भी चंद्रानी नहीं। वाह रे, अरे ये लड़का वही है मतलब जिसके साथ तेरा झगड़ा हुआ था, ये मुझे कैसे मालूम होगा? आप जानते नहीं थे लेकिन अब जान गए हो ना, उसे अभी बाहर निकालो। नहीं 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 चंदा बहन, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वो लड़का अभी अभी गांव से शहर आया है, इस प्रदेश में कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही है, यहाँ से निकाल देने पर कहाँ जाएगा, क्या करेगा, एक बार सोचो तो। बंकुलाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुनो ना, मैं कहता हूँ कि एक बार इसको माफ कर दो ना। आप उसे कुछ बोलेंगे या नहीं? नहीं नहीं बोलूंगा ना, 100% बोलूंगा। बंकुलाल वो भोला जो कौन है वो लड़का, उसको बुला के ला, अभी बुला के ला। बोला मुझे बुलाया है सर, सॉरी भैया। नहीं नहीं मैं तो कह रहा था कि भैया, मैं तो कह रहा था कि तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तू पहले दिन कॉलेज आके हाथ पैर धो के मेरी बहन के पीछे लग गया। नहीं मैं पीछे तो नहीं लगा था, जो किया वो सामने सामने किया, अब ठीक है ना? बहना उसके सामने लगा या पीछे लगा, बात तो एक ही हुई ना, बात तो एक ही हुई, क्यों हुई ना भैया? मेरी बहन का गुस्सा, आप जब बोल रहे हैं तब तो भूल हो ही गई है। भूल तो की है। तो फिर मुझे करना क्या होगा? तुझे अभी माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं भैया यहाँ नहीं, इसने सबके सामने कॉलेज में मेरा अपमान किया था। ठीक कह रही है, इसलिए इसे माफी कॉलेज में सबके सामने ही मांगनी पड़ेगी। अच्छा बताओ मुझे क्या क्या करना होगा? मतलब ये कि दरअसल ऐसा है कि मैंने कभी माफी मांगी नहीं है, इसीलिए कैसे माफी मांगी जाती है अगर आप मुझे सिखा दें तो। अच्छा बहुत अच्छा होता। ये ही ठीक रहेगा चंद्रानी, तू ही अच्छे से सिखा देना। ठीक है मैं ही सिखा देती हूँ, अच्छे से देखना हो जी। अच्छा प्लीज मुझे माफ कर दो, कल मैंने सबके सामने तुमसे जो बर्ताव किया था वो मुझसे गलती से हुआ था। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस 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 ठीक है। अब ये तुम बोलो। मतलब अब तुम्हारी बारी। मतलब इस बार तुम माफी मांगो। देखो सबके सामने तुमने अभी माफी मांगी और मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया कल की गलती के लिए, वो अब मैं भी तुमसे माफी मांगू भला, ऐसा होता है क्या? ए यू, कहाँ जा रहे हो माफी मांगे बिना? अरे वाह, माफी तो तुमने मांगी ली, एक अपराध दोषी भी एक और माफी भी मांग ली, ठीक ना, हिसाब बराबर, चलता हूँ। और एक बात, ये मेरे हाथ में ही रहेगा क्योंकि तुमने प्यार से मेरे हाथ में इसे अपने हाथ से ही पहनाया है, इसे मैं तब तक पहने रहूंगा जब तक तुम खुद इसे अपने हाथ से ना निकालो। गुड बाय। चंद्रानी ये लड़का और लड़कों से बिल्कुल अलग है, इसके ऊपर तुम्हारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। इस चंद्रानी ने आज तक ना ही किसी से हार मानी है और ना ही कभी मानेगी। इस तरह के लड़कों को अपने मुट्ठी में करने का तरीका मुझे बहुत अच्छे से आता है। अरे भैया तूने तो बहुत बड़ा काम किया है। क्यों भैया, है ना, सबके सामने उसकी ऐसी बैंड बजा दी कि हालत खराब कर दी। जानते हो ये लड़की है ना, हम सबको आदमी समझती नहीं है, पर के कुत्ते बिल्ली समझती। इसकी भी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। मतलब भगवान ने पुरुष और नारी दोनों जन की रचना की है एक दूसरे के लिए, अब अगर एक लड़की सरेआम किसी पुरुष का अपमान कर दे, ये मेरी समझ में नहीं आता। समझोगे भाई समझोगे, अभी नए नए तुम आए हो, और थोड़े दिन रुक जाओ तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये लड़की लड़की नहीं एटम बॉम्ब है। आखिरकार तूने उससे माफी मंगवाई ही ली। सच में तुम्हारा जवाब नहीं, असल में अगर देखा जाए तो मेरी बहन चंद्रानी बुरी लड़की नहीं है, उसकी मेन प्रॉब्लम जो है वो है उसकी जिद।
और उसके लिए मैं भी थोड़ा बहुत जिम्मेदार हूँ। आप? मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ, असल में बचपन से ही मैं दुलार बहुत ज्यादा करता रहा ना। बापू और माँ की मौत के बाद इंद्राणी और चंद्राणी, इन्हीं दोनों में सिमट गया मेरा संसार। इंद्राणी कौन है? चंद्राणी की दीदी। दोनों बहनों में खूब प्यार था, लेकिन लेकिन क्या बोलिए ना। जाने दो वो कहानी, बाद में कभी फिर किसी दिन बताऊंगा। तुम्हारी मस्ती मेरी तकलीफ का कारण बन रही है। अरे इतनी जोर से बाजा बजाओगी तो लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? So what? तुम ठीक तरह से पढ़ सकते हो या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये तुम्हारा साउंड थोड़ा कम हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता। कभी नहीं, साउंड तो कभी कम नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो कान में रुई डालकर बैठो चुपचाप। डोंट डिस्टर्ब मी। इसका मतलब तुम उसे बंद नहीं करोगी? नेवर। छुरी? इडियट, तुम मुझे छुरी दिखाकर डराना चाहते हो? अगर कोई मेरी बात नहीं मानता तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भैया, पंकुलाल, भैया मुझे बचा, ये मुझे मार देगा। भैया बचाओ। ये देखो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं चलता हूँ। ये वाला। हाँ ठीक है, चंद्राणी। लेकिन अरे छोड़ तो, वहां मत देख। चल चलो। हाँ ये वाला गया। फूलदानी। फूलदानी नहीं, चंद्राणी। गंवार तो गंवार ही रहेगा। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, आज देखो हाथ से चूड़ी उतार कर रख दी है। अरे नहीं, ट्रेन में आना जाना होता है ना, कहीं धक्का लगकर चूड़ी टूट गई तो, इसीलिए निकाल कर रख ली है। ये देखो। ठीक है ठीक है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने गाँव जाकर अपने खास लोगों को दिखाना, तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। नाम रोशन होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन गाँव के लोगों को दिखाने की बहुत इच्छा हो रही है। तुम्हारा दिया उपहार जो सिर्फ मेरे लिए है, किसी और को दिखाकर इसकी वैल्यू कम नहीं करना चाहता। बेशर्म कहीं का। कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ बोल सकती हूँ क्या? तुम्हारे क्लास जाने का टाइम हो गया। जाओ 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 जाओ। चलता हूँ फूलदानी, सॉरी चंद्राणी। चलता हूँ। अरे भोला जी, क्या हाल चाल? प्रणाम। ठीक है, तुम्हारे नोट्स रेडी है। अच्छा, ले जाना, ज्यादा लेट मत करना। ठीक है सर। समझा? एक्चुअल में अच्छा स्टूडेंट मिले तो पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। ओके चलो चल। मैंने कहा था तुमसे कि ये लड़का प्रोफेसर का प्यारा बन गया है। इस लड़के को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि उसे ये शहर छोड़कर भागना ही पड़ेगा। तुम देख लेना। कॉलेज का प्रोग्राम कब होगा? 18 मार्च। देखो
प्रोग्राम तो लगभग सेट कर चुका हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये म्यूजिक हंगामा में लड़कों में से कोई भाग ही लेना नहीं चाहता है। कैसे आएगा भला बोलो? जानबूझकर कोई ओखली में सर डालता है क्या? ओखली में सर देने नहीं आएगा मतलब? अरे म्यूजिक हंगामा में भाग तो लेना चाहिए, मगर वो चंद्रानी और उसके ग्रुप के खिलाफ हिम्मत कौन करेगा? लेकिन मैं लड़कियों का अपमान सहन नहीं करूंगा। अरे ये सब तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन उसे हराएगा कौन? ये एक लड़का है, हराएगा तो सिर्फ वही हराएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है। क्यों? मैं कभी गाना नहीं गा सकता यार, मैंने न कभी गाना गाया है और न ही कभी गाऊंगा। क्यों? पकड़ो तो इसको। तू क्या बोल रहा है बोल तो। कॉलेज का प्रोग्राम है इसलिए, हम लोगों ने भी ये सब नहीं किया है, लेकिन तुझे भाग लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करूंगा लेकिन ऑडियंस में। अरे क्या हुआ, शोर क्यों मचा रहे हो? क्या बात है? चंद्रानी चंद्रानी प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे गाना गाने के लिए कह रहे हैं। गाना गाने के लिए कह रहे हैं तो गाओ। अरे तुम तो जानती हो मेरी आवाज़ फटी बांस जैसी है, और वैसे भी हम लोग कॉलेज पढ़ाई करने के लिए आए हैं ना। तो ठीक है, अगर गाना नहीं गाना है तो फिर कॉलेज के फंक्शन में वॉलेंटियर बनना। मैं वॉलेंटियर एकदम। अच्छा बाय, चलो बाय बाय। आइए आइए इधर आइए प्लीज, आइए आइए प्लीज, आइए इधर बैठिए। हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन मनाने के लिए हम सब ने एक संगीत प्रोग्राम का आयोजन किया है। हमारे कॉलेज का एक स्टूडेंट श्रीमान भोलानाथ बहुत ही बढ़िया गाना गाते हैं। संगीत कला में वो संगीत विशारद हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो यहाँ मंच पर आकर अपने सुमधुर कंठ से हम सबको गाना सुनाएं। अरे ये मैं नहीं कर सकता। अरे मैं नहीं गा सकता। कैसे नहीं गा सकता? प्लीज तुझे वहाँ गाना पड़ेगा। मैं नहीं गा सकता यार, तुझे स्टेज पे गाना पड़ेगा। छोड़ मुझे, छोड़ो, मैं नहीं गा सकता। चल इतना दिन मुझे बहुत सताया है, अब मेरी बारी है बदला लेने की। पकड़ो गाना गाओ। मैं नहीं गा सकता। गाना गाओ। मैं नहीं गा सकता, नहीं गा सकता। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, मैं नहीं गा सकता प्लीज। गाना गा सकता है वो? अरे अरे जब तुझे गाना ही नहीं आता तो तू वहाँ क्यों खड़ा है? जा अपने घर पे, आया गाने। अरे गाना गाओ, गाना गाओ। अरे जब तुम्हें गाना ही नहीं आता तो हमको बुलाए क्यों? चलो भाई चलो चलो चलो। रुक जाओ ना तुम, अर्जी मेरी मानो ना तुम, सुनो गाना मेरा तुम। तुमसे ही शब्द मुझे मिले, तुमसे ही सुर मुझे मिले, तुम्हारे लिए संगीत के दरिया में बह गया। तुमसे ही शब्द मुझे मिले, तुमसे ही सुर मुझे मिले, तुम्हारे लिए संगीत के दरिया में बह गया। तुम सुनो गाना मेरा,
इंसान हूँ मैं, मत भूलो तुम मेरा भी है दिल, मेरा भी दिल देखे ख्वाब दिन रात आजकल। ओ इंसान हूँ मैं, मत भूलो तुम मेरा भी है दिल, मेरा भी दिल देखे ख्वाब दिन रात आजकल। गाना मेरा लगे सभी को प्यारा, मेरा तो बस यही है दुआ, तुम ही तो मेरा सब कुछ दिल और दो जहां, तुमसे ही शब्द मुझे मिले, तुमसे ही सुर मुझे मिले, तुम्हारे लिए संगीत के दरिया में बह गया, तुम सुनो गाना मेरा, तुम सुनो गाना मेरा, तुम सुनो गाना मेरा, तुम सुनो गाना मेरा। ओ आओ करीब मेरे तुम ऐ दोस्त मेरे, देखो खुश कितने हैं सब दोस्त आपके। तुम्हारे दिल में थोड़ी जगह दे दो ना तुम ओ दिल के खुदा, तुम्हारा बन के रहूंगा खाई है मैंने कसम, तुमसे ही शब्द मुझे मिले, तुमसे ही सुर मुझे मिले, तुम्हारे लिए संगीत के दरिया में बह गया, तुमसे ही शब्द मुझे मिले, तुमसे ही सुर मुझे मिले, तुम्हारे लिए संगीत के दरिया में बह गया। तुम सुनो गाना मेरा, 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 तुम सुनो गाना मेरा। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत बहुत अच्छा गाना गया। अरे तुमने तो लड़कों में नाम रोशन कर दिया। अरे वाह, चाहे तुम कुछ भी कहो लेकिन मैं तो भोला की फैन हो गई हूँ। अरे भोला की आवाज़ तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि हमें पता ही नहीं चला। ये सब क्या बक रही हो, तुम भोला के फ्रेंड हो या मेरे, सब भोला चालीसा पड़े जा रही हो। तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप रखने के लिए हम भोला से दुश्मनी तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, बहुत हुआ, अब चलो क्लास रूम। चलो चलो। अरे यहाँ कहाँ आपका भोला, आपका भोला तो शहर में है। ओ शहर में? हाँ वो तो शहर गया हुआ है ना, कब आएगा मेरा बेटा? अब आप चुपचाप से सो जाओ, डॉक्टर बाबू ने आपको ज्यादा बोलने से मना किया है।
कितना दिन हो गया है भोला को देखे नहीं, कितना दिन हो गया है उसके मुंह से माँ नहीं सुने। भोला बेटे के बिना अगर आपको इतना कष्ट हो रहा है तो बेटे को शहर भेजा ही क्यों? कितने दिन हो गए बेटे को देखे नहीं, कितने दिन से उसका चेहरा नहीं देखे। अच्छा भोला की कोई खबर भेजनी है क्या? नहीं, उसके पढ़ाई में नुकसान हो जाएगा, नहीं उसको खबर मत दीजिए। जो होना है वो होगा, माँ की यहाँ तबीयत खराब है और बेटा वहाँ रहेगा। नहीं, खबर मत भेजिए। और 2 दिन देखते हैं, इस बीच बुखार कम नहीं हुआ तो चौधरी बाबू को हम बता देंगे। ना, ना। चौधरी बाबू कैसा भी करके भोला तक खबर पहुँचा देंगे। माँ अचानक घर जा रहे हो, यहाँ ठीक नहीं लग रहा क्या? मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ की तबीयत खराब है। माँ की तबीयत खराब होती तो चौधरी साहब खबर भेजते कि नहीं? उन्होंने तो कोई खबर नहीं भेजी। वो तो मुझे पता नहीं, जानते हैं भैया बचपन से ही मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मेरे रिश्तेदारों में किसी की तबीयत खराब होती है या फिर कोई मुसीबत में पड़ जाता है तो मुझे आभास हो जाता है, पहले से ही पता चल जाता है। वाह वाह, जैसा कि तुम कलयुग के कृष्ण हो। ए चंदा, हर वक्त मजाक करना ठीक नहीं। सॉरी 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 भैया सॉरी। ठीक है, अगर तुमको जाना है तो जाओ। जी माँ की क्या हाल है देख के आओ, कोई जरूरत हो तो खबर करना, जाओ। जी, ठीक है। भोला आ गया बेटा, आ गया। माँ 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 मैं आ गया। माँ माँ भोला आ गया, मेरा भोला आ गया, मेरा भोला आ गया। माँ भोला मैं आ गया। माँ भोला भोला कुछ नहीं हुआ। माँ माँ कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुझे देख लिया ना बस ठीक हो गई। अरे भोला तुम्हारे माँ की तबीयत खराब है ये खबर तो हमने भेजी नहीं, फिर तू कैसे जान गया? अरे तुम लोगों ने नहीं भेजा तो क्या हुआ, मेरे शिवशंकर मेरे सपने में आकर मुझसे बोले भोला जल्दी से गांव लौट जाओ तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो आ गया मैं। माँ जय बाबा भोलेनाथ। सच में भोला तुम्हारे मुँह से जितनी भी बार शिव जी की महानता सुनते हैं उतनी ही शांति मिलती है। अब मैं जा रही हूँ, फिर बाद में आऊंगी। अब आपका बेटा जो आ गया है, अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, देखना आपका बुखार बाप बाप कह के भागने का रास्ता ढूंढेगा। अरे रे रे, क्या कर रही हो माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? मेरा बेटा इतने दिनों बाद आया है, अपने हाथों से कुछ उसको खिलाओ कि नहीं? उन सब के लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप लेटी रहो, अच्छी माँ के जैसी आराम करो, ठीक है? मिला वही एक ही बात, नॉट रिचेबल नॉट रिचेबल, कहाँ गई है बताओ तो? वो मैं कैसे जानूंगा भला, तुम्हारी बहन कहाँ जाती है कहाँ आती है तुमको ही बोल के न जाए तो मैं किस खेत की मूली हूँ? कहाँ ढूंढने जाऊँ बताओ तो, देखो गाड़ी तक नहीं लेके गई है ये लड़की ना। कहाँ गई होगी? पकड़ो इसे, पकड़ो, भागने न पाए, पकड़ो, जाने मत दो, पकड़ो। भैया भैया मुझे बचाओ प्लीज, एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा है। क्या हुआ? तुम पहचाना? अरे हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। दस तो बच गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसकी फ्रेंड अल्पना को फोन किया था, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, खाली इतना बोला कि इतने टाइम में तो उसको अभी तक घर आ जाना चाहिए था। सिर्फ आपके चलते, तुम्हारे चलते चंदा बहन का दिमाग इतना बढ़ गया है, समझ गए? देव बाबू प्रेम प्यार ऐसे नहीं होता है, जिसको प्यार दुलार किया जाता है ना उसे बीच बीच में अनुशासन भी सिखाया जाता है, समझे तुम?
बहुत अपमान किया है तूने हमारा कॉलेज में सबके सामने। आज एक एक अपमान का गिन गिन कर बदला लूंगा मेरी जान। ये क्या? कौन है तू? अचानक घर में घुसते ही बोला के बारे में? अरे बोलो ना, बोला आया या नहीं? अरे वो तो अपने गांव में है। कहाँ? अच्छा ठहर, मैं देखता हूँ, एक सेकंड मैं देखता हूँ। अरे बोला, हेलो राज बाबू, क्या हाल है? खबर तो सब ठीक ही है। इतने दिन के बाद आज मेरी याद आई? ये सब बातें बोल के आप हमारी बेइज्जती मत कीजिए। असल में आप तो पहले से ही जानते हैं कि मैं कितना आलसी हूँ। कॉलेज के काम धाम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि सबसे मिलना जुलना तो दूर की बात है, मैं फोन पर भी किसी से बात नहीं कर पाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, असल में वो भोला की खबर लेने के लिए मैंने आपको फोन किया था। सुबह सुबह वो गांव के लिए निकला था, तो ठीक ठाक गांव पहुंच गया है ना? है ना? ओ हाँ हाँ, आप भोला से बात करना चाहते हैं? भोला मेरे पास ही है। भोला को जरा दीजिएगा ना प्लीज। लो राज बाबू तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो भैया। हाँ हाँ हाँ, मैं बड़े आराम से पहुँच गया। हाँ यहाँ सब कुशल है, आप लोग तो ठीक से हैं ना? हाँ हम भी ठीक हैं। भैया वो चंद्रा, चंद्रा ठीक से पहुँच गई ना? क्या? वो ठीक से घर पहुँच गई ना? चंदा ठीक था घर पहुँची कि नहीं, अचानक तुम ये कैसे पूछ रहे हो? कुछ नहीं भैया, मैं 3-4 दिन में ही वापस आ जाऊंगा, आप लोग ठीक से रहिएगा। अच्छा ठीक है, तुम भी ठीक से रहना। ठीक है भैया। क्या हुआ, विश्वास हो गया ना? बोला ना भोला गांव में है। Are you sure? आपने जिसके साथ बात की वो भोला था? अच्छा आखिर तुझे हुआ क्या है, बोल तो। घर घुसने के बाद से भोला 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 करी जा रही हो, उसके लिए मन में कुछ होता है क्या? भैया आप भी ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भोला अगर गांव में है तो मुझे किसने बचाया? तुम्हें जाते समय मैंने इतना समझाया था ना, लेकिन मेरी बात मानो तब ना, हो गई ना तबीयत खराब? अरे दूध, तबीयत कुछ खराब नहीं हुआ है, उम्र हो गए ना तो ये सब होता है। भोला भोला रे, मुझे वो लड़की के बारे में बताना, उसके बारे में सुनने को बहुत मन होता है, बेचारी माँ बाप के बिना। बस बस हो गया, उसके लिए इतनी ममता जाग उठी, तुम और देवराज भाई दोनों एक जैसे हैं। नसीब है कि उससे मिली नहीं हो, मिलोगी ना तो बस। ए भोला एक बात सच सच बताना, सच सच बोलना। पूछो। तेरे दिल में उस लड़की के लिए? हंस क्यों रहा है? अरे ऐसे क्यों हंस रहा है? क्या हुआ? माँ मेरी बात सुनो। हाँ? अरे उस 440 वोल्टेज के नजदीक जाना तो दूर की बात, उसके बारे में सोचा तो फिनिश। सच बाबा, तू क्या बोलता है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आती है। पता है तेरे मुंह से चंदा के बारे में सुन सुन के मेरे मन में भी एक सच में
अगर एक ऐसी लड़की मिल जाए ना तो मैं अपनी बहू बना के अपने घर लेके आऊंगी। आओ करने की जरूरत नहीं है, खा, मैं चावल लेके आती हूँ, खा ले खा ले। बक 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 करता रहता है, शांति से खाना भी नहीं खाता है, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है ये लड़का। ये तो एकदम से एक्साइटिंग स्टोरी हो गई ना, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि अगर उस समय भोला गांव गया था तो चंदा को बचाया किसने? सिंपली भोला का कोई जुड़वा भाई। ए बेकार की बातें मत बना, सिनेमा देख देख कर ना तेरा दिमाग फिल्म स्टोरी का बोर्ड बन गया है। ओ माँ, भोला भी नहीं, भोला का डुप्लीकेट भी नहीं, तब तो होगा भूत और नहीं तो भगवान। बस बस बहुत हो गया, इतनी देर तक बैठे बैठे तुम लोगों की कल्पना शक्ति का अंदाज लगा रही थी। अब तुम लोग बोलोगी कि भोला कोई अवतार है भगवान का, और नहीं तो बोलोगी भगवान ने भोला का रूप लेकर मुझे बचाया। एग्जैक्टली, हम भी तो वही बात कर रहे हैं। प्लीज प्लीज यार, तुम लोग तो जानती हो मैं किसी भी भगवान को नहीं मानती। ठीक है, वो सब कहानी छोड़, अब असली बात बता। कौन सी? अचानक भोला तुझे बचाने के लिए गया क्यों? वो भोला नहीं था, भोला तो गाँव में है। रहस्य, भयानक रहस्य, जानने के लिए किसी बड़े जासूस को बुलाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, भोला जब लौटेगा मैं खुद ही इस राज का पर्दाफाश करूंगी। लेकिन कैसे? भोला का भेजा कच्चा चबा के। क्या? जरूरत पड़ी तो उसके साथ प्यार का नाटक भी मैं करूंगी। जैसे भी हो मैं ये राज जानकर ही दम लूंगी। हेलो। अच्छा भोला, तुम भगवान के बड़े भक्त हो ना? भगवान का भक्त अभी हुआ कहाँ हूँ, अरे वो शिव शंकर को प्यार करता हूँ। जैसे अपनी माँ से प्यार है, तुम्हारे भैया से प्यार है। और मुझसे? क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? नहीं मुझसे मतलब, प्यार नहीं है? नहीं एक्चुअली सब तुमसे प्यार करते हैं, मैं तो बस ऐसे ही। चालाकी से जवाब टाल दिया। नहीं जो सच्चाई है वही बोला, ठीक ना? अच्छा भोला, तुम इतना ज्यादा भगवान पर विश्वास करते हो? तुमने भगवान को देखा है? जब भगवान को देखा ही नहीं है तो विश्वास क्यों करते हो? अच्छा तो तुम देवी देवता को नहीं मानती हो, ठीक ना? जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसको आंखों से देख नहीं सकते, उस पर मैं विश्वास नहीं करती। अच्छा ये बताओ, हम जो सांसें लेते हैं वो भी तो दिखाई नहीं देती, ठीक है ना? चंद्रा चंद्रा चंद्रा, अरे क्या सोच रही हो, कहाँ खो गई? कुछ नहीं। अच्छा तुम यहाँ क्यों आई हो ये तो नहीं बताया। मन किया इसलिए। अच्छा भोला, आज से तुम्हारी हमारी दुश्मनी खत्म, ओनली फ्रेंडशिप। बाय। ये क्या हो गया, गई भैंस पानी में? उसके बाद क्या, चल आई लो। ये तो क्लाइमेक्स शुरू होने से पहले ही कहानी खत्म। धीरज रखो बच्चा लोग, धीरज रखो। अच्छा इतने दिनों तो कभी किसी लड़कों को घास नहीं डाला, और आज अपने स्वार्थ के लिए? नहीं नहीं, इसका मतलब प्रेम माइनस। इतने जल्दी भी क्या है फ्रेंड्स, खेल तो अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। भैया मुझे कुछ रुपए चाहिए हैं, एक बुक खरीदनी है। देख क्या रहे हो? देख नहीं सुन रहा हूँ, बात सही सुन रहा हूँ तो? मेरी जो बहन कभी बुक का नाम नहीं लेती थी, आज ये बोल रही है कि बुक लेनी है। आज सूरज कौन सी दिशा से उगा बताओ तो? देखिए भैया चिढ़ाइए मत। ठीक है तुम्हारा मन पढ़ाई लिखाई में लग रहा है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ए बोला इधर तो आओ। आया भैया। सुन अगर जो तू बुक खरीदने जा ही रही है तो इसको भी साथ ले ले, और उसको भी दो एक किताब की जरूरत हो तो खरीद देना। नहीं नहीं मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं लाइब्रेरी से नोट करके ले लूंगा। नहीं तुम्हें भी आना ही पड़ेगा, ये सिर्फ भैया का नहीं मेरा भी ऑर्डर है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ओके
तुम बहुत बड़बड़ करते हो, चुपचाप चलो जहाँ मैं ले जा रही हूँ, एकदम चुपचाप चलो। किताब खरीदने के बहाने से मुझे तुम यहाँ लेकर क्यों आई? यहाँ पर वहाँ शोर में बात कैसे होती? हाँ ये भी ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या बोलना था? मैं कह रही थी कि नहीं रुको, मुझे बोलने में बहुत शर्म आ रही है। ठीक है अगर शर्म आ रही है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या न जाने किससे पाला पड़ गया है। क्या हो गया? अरे तेरी चने की ऐसी की तैसी। अरे चंद्रानी सुन सुन प्लीज सुनो तो, वो एक्टिंग वैक्टिंग मुझसे नहीं होने वाली है। अच्छा गाना तो मैं किसी तरह गा लूंगा, लेकिन प्लीज लेकिन प्लीज, वो प्लीज, एक्टिंग प्लीज, मुझसे कभी नहीं होगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ बाबा, तुम चुप रहो, मुझे भी कुछ बात करने दो। चुप रहो, शट अप। मुझे कुछ बात कहनी है, तुम चुपचाप सुनोगे? बोलूं मैं? आशा करती हूँ कोई ना आए। अभी बताती हूँ, बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि वो बात यह है कि मैं चाय हमें चाय नहीं चाहिए। गरम है मैडम, जाओ यहाँ से। बहुत गरम है, हमें चाय नहीं चाहिए, जाओ। अरे बाप रे, ये तो चाय से ज्यादा गरम। अरे चंद्रानी, बाहर निकलते समय सोच रही थी कि कहीं शांति से बैठकर बात की जाए, लेकिन यहाँ तो कोई आसारी नजर नहीं आ रहा है, न जाने किसका मुंह देख लिया था। अब जो भी बोलना है फटाफट बोल दो ना, दरअसल शाम होने वाली है, जल्दी से घर पहुँचना है, अगर भैया भड़क गए तो। समझ गए ना? उसकी चिंता मुझे भी है, इसलिए तो कोशिश कर रही हूँ बात करने की। हाँ बोलो। मैं बोलना चाहती थी कि मैं तुमसे अपने प्राणों से भी ज्यादा। पैसा दोगे वो 10 पैसा देगा। मैं चाय नहीं पीती, सिंचना नहीं खाती, गाना नहीं सुनती। चल जाओ। नाराज मत हो, गरीब आदमी है, गरीब आदमी को दान करना पुण्य का काम होता है। ये लो भाई, ये लो, जाओ जाओ की सुना। क्या बोलना चाहती थी? इस बार तो बता ही देती हूँ, मैं तुमसे बहुत 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 क्या हुआ? खेल खत्म। कैसा खेल? वो जो बांसुरी बजा रहा था। तो फिर चलना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन अभी तक बोला कहाँ है? बाद में बोल देना। हाँ चलो 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 चलो, टाइम खत्म हो गया, चलो अपने अपने घर जाओ। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो बाहर जाओ, बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो जल्दी करो, चलो आओ। अरे बाप रे बाप, ये चंद्रानी, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। तुम तो सबसे ज्यादा होशियार हो, तुम्हें यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं, इतने में तुम सब जान गए क्या? अच्छा सॉरी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम कुछ नहीं बोलोगे, चुप। देखो भोला, जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वो बात तुमसे कहनी जरूरी है। मैं ना बहुत हंस चुकी, पहले मैंने अपने मन को बहलाया, समझाया बुझाया कि चाहे जैसे भी हो मुझे तुमसे ये बात कहनी ही होगी। बोलूं? अब भोला, बोलूं? क्या बोलो? आए, अरे बोलो ना। अरे तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, क्या थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? मुझे मूड बनाना पड़ता है, समझ गए ना तुम? मैं तुमसे क्या हो रहा है? अंधेरे में पार्क में बैठ के क्या खुसुर पुसुर कर रहे थे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वाह, तुम लोग करो तो
कोई दोष नहीं, हम बोले तो दोष है। जाने दो, 500 का नोट निकालो और कट लो यहाँ से। अगर नहीं है तो ये रहा लॉकअप। अब मुझे लॉकअप का डर दिखा रहे हैं? आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? पुलिस डिपार्टमेंट में ज्यादा बोलना ज्यादा जानना दोनों मना है। दो दो जल्दी दो भाई, जल्दी दो। देख नहीं रहे हो कितने लोग लाइन में खड़े हैं? इन सबको भी तो सर्विस देनी पड़ेगी, और देर मत करो। सर हाँ बोलो। मैं एक बात बोलूं? बोलो बोलो। सर वो 500 की नोट को 100 का नोट कर दीजिए ना। मैंने ठीक सोचा था, लड़का है, गई भैंस पानी में। ठीक है, 50 का नोट बढ़ा के सट को यहाँ से। ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। फिर मुलाकात होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुलाकात नहीं होगी। क्यों? चलता हूँ। एकदम लाल मिर्च है भाई। ए, खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? लाओ लाओ, जल्दी लाओ, नहीं तो उस तरफ जाना पड़ेगा। निकालो फटाफट, फटाफट निकालो। ए, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे बोल रहा है, जल्दी करो। बोल दे एक लाइन, आई लव यू। इतनी सी बात में इतना झमेला? अरे वही तो झमेला है, तुम लोग तो जानती हो ना कि इससे पहले मैंने प्यार कभी नहीं किया, और अब जब प्यार करने की बारी आई तो पता चल रहा है कि प्यार करने में कितनी झंझट है। तो फिर ये बात तो भोला को कहेगी कैसे? अरे मैं भी तो वही सोच रही हूँ। इतना सोचने का क्या फायदा, तू एक काम कर, तू बैठ, हम भोला को भेज दे। सुन, आज अपने दिल की बात बता कर ही रहना, बेस्ट ऑफ लक, चलो। हेलो मैडम। क्या बोलूं? बोलो। बोलोगी तो तुम? हाँ, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों ने मुझे तुम्हारे पास क्यों भेजा है मुझे पता नहीं है। मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ। क्या बोलोगी? क्या बोलोगी? अच्छा, क्या बोलोगी तुम? मुझे कैसे पता कि तुम क्या बोलोगी? ओह हाँ, याद आ गया। हाँ, I love you। क्या क्या बोला? I love you। इसका मतलब कि तुम राजी हो? किस लिए? यही जो मैंने तुमसे कहा कि I love you। चंद्रा, प्रेम प्यार इन शब्दों को समझने की क्षमता भी तुम्हें नहीं है। प्यार शब्द तो छोटा है, लेकिन उसका मतलब इतना छोटा नहीं है। और चंद्रा, तुम्हारे जैसी एक जिद्दी और घमंडी लड़की से प्यार करना मेरे लिए संभव नहीं है। राजबाबू। अरे आइए आइए आइए, ये लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। अरे चौधरी साहब, मेरे तो भाग ही खुल गए। आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए माजी, बैठिए बैठिए। बंकुलाल, मैं जानता हूँ, मैं अभी दोनों मेहमान के लिए चाय बिस्किट लेकर आता हूँ। ठीक है, नमस्कार जी, बैठिए। ये कौन है? ओ, आ, 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 मैं भूल गया, ये है भोला की माँ। आप भोला की माँ है? अरे अरे रहने दो बेटा, पुण्य का काम है, आशीर्वाद दीजिए। आप जैसे भोला की माँ हैं, वैसे आज से आप मेरी भी माँ हैं। बैठो बेटा, सुखी रहो सुखी रहो। गांव की लाइब्रेरी के लिए किताब खरीदने आया था, दीदी को भी साथ ले आया, इसी बहाने इनका बेटा भोला शहर में कहाँ रहता है ये भी देख लेंगी। बहुत अच्छा किया। तो दो चार दिन रहेंगे ना? दो चार दिन कह रहे हैं, अभी तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। आपको जाना है तो जाइए, आप व्यस्त आदमी हैं, आपको कौन रोक सकता है, लेकिन माजी को रुकना पड़ेगा। अरे नहीं बेटा नहीं। ना ना ना, ना। अरे आपको जाने देंगे तब ना, कुछ दिन के लिए बेटे के घर पे रुकना ही पड़ेगा।
चौधरी साहब कहिए ना माँ जी को रुक जाएं। चंद्रानी इधर तो जरा आओ तो आओ, तुम्हारे साथ परिचय करा देता हूँ। ये है हमारी बहन चंद्रानी और ये है भोला की माँ जी। प्रणाम करो। क्या हुआ क्या हुआ? प्रणाम करो। क्या बोल रहा हूँ, कान में घुस नहीं रहा क्या? आप तो जानते हैं भैया कि जिन लोगों का मैं जानती पहचानती नहीं हूँ उन्हें मैं प्रणाम नहीं करती। I'm sorry. माँ जी। हाँ? आप कुछ भी बुरा मत मानिएगा। नहीं बेटा नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ये योगी है सहराज बाबू, आजकल के जनरेशन के बच्चे प्रणाम को खराब मानते हैं। असल में कसूर मेरा ही है। मुझे लगता है मैं उसे ठीक तरह से इंसान नहीं बना पाया। जन्म होते ही बेचारी ने माँ को खो दिया था और उसे ठीक से अनुशासन में रख नहीं पाया। हो सकता है वो मैं चलता हूँ राजबाबू, चलता हूँ दीदी। हाँ जय भोलेनाथ। माँ जी अब हम लोगों को अंदर चलना चाहिए। हाँ मैं ये पूछ रही थी कि भोला नहीं है? अभी आ जाएगा। हाँ। आइए अंदर चलिए। हाँ। आइए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है जिसकी मुझे माफी मांगनी पड़े, और अगर मैंने किसी को प्रणाम नहीं किया तो कोई अपराध नहीं कर दिया। ये कोई अपराध निरपराध न्याय अन्याय का प्रश्न नहीं है, बात है शालीनता की, शिष्टाचार की। बुजुर्ग पुरानी औरतों के पांव छूना यही हमारी रीत। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसी रीति रिवाज को नहीं मानती। मुझे जो कुछ अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। देख क्या रहे हैं? देख नहीं रहा, सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि बचपन से तुझको अनुशासन में नहीं रख के मैंने कितनी बड़ी गलती की है। माँ। बेटा। माँ। मेरा बेटा। माँ प्रणाम। माँ खुश रहो। तुम यहाँ शहर में? वही तो देखना, तेरा चौधरी बाबू जबरदस्ती यहाँ लेके आए और फिर तेरा देवराज भैया जाने नहीं दिया। ओ, मैं तो मुसीबत में। मुश्किल क्या है, बैठो बैठो बैठो। अच्छा हुआ कि मेरी माँ यहाँ आ गई, अब मुझे माँ का भरपूर प्यार मिलेगा। अच्छा, माँ को देख के सारे पुरानी यादें याद आ गई। हाँ, हाँ? एकदम शैतान कहीं का। हाँ? जरा सिर सहला दो ना। लाओ माथा सहला देती हूँ। माँ मुझे तुम्हारी गोद में कितना अच्छा लग रहा है। माँ क्या हुआ, प्यार थोड़ा कम लग रहा है माँ? ओ हे भगवान, बदमाश कहीं का। माँ क्या हुआ छोटी दीदी, मन क्यों खराब है? नहीं बंकुला। मेरे आंख में धूल डालना चाहती हो? मैं तुम्हें बचपन से अपने गोद में खिलाकर बड़ा किया हूँ, समझी? मैं देखता हूँ जब तुम्हारा मन ठीक नहीं रहता, जब तुम्हें कोई कष्ट होता है, तुम इसी बालकनी में आके आसमान में ओह सब तारा की तरफ देखने लगती हो। अच्छा, जब कोई मर जाता है तो वो तारे बन जाते हैं, तब तो उन्हीं तारों के बीच में जरूर हमारी माँ भी होगी। बचपन में जब भैया सुलाते थे तो इन्हीं तारों को दिखाकर वो सुलाते थे। क्या बात है, बोलिए तो छोटी दीदी, आज अचानक माँ के लिए? बंकुलाल, सभी माँ इसी तरह अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है ना? हाँ हाँ। उस भोला की माँ की तरह? हाँ, सभी माँ अपनी संतान को बहुत प्यार करती हैं, सभी माँ। जाने दो, ज्यादा रात हो गई, चलो 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 सोने जाओ, चलो चलो आओ। बस
क्या बस? बस बस पेट भर गया बस। हाँ पेट भर गया। बचपन में मैं तुझे अपने हाथों से खिलाया करती थी, आज तू मुझे नई बात सिखाएगा कि कितने खाने से तेरा पेट भरता है। चल खा ले। खा बोलता हूँ। है तू भी बहुत जिद्दी, इसीलिए तो कहते हैं कि माँ की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। लेकिन बेटा तुम भी तो कुछ नहीं खा रहे हो। नहीं नहीं, बचपन से ही हमारे देवराज ऐसे ही हैं, बहुत कम खाते। आपके लिए दही लेकर आता हूँ। हाँ ले आओ। असल में बचपन से मेरी यही आदत है, मैं थोड़ा कम ही खाता हूँ। बचपन में पास बिठा के खिलाने वाला कोई नहीं था तो कम उम्र में माँ बाप चले गए। अच्छा बेटा, घर के सब लोग तो यहीं पे हैं, लेकिन चंदा बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसके बारे में सोचा मत कीजिए, वो ऐसी ही है। वो कब कहाँ रहती है, क्या करती है, सभी उसके। लेकिन खाना पीना तो टाइम से खाना चाहिए ना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैं एक सेकंड में आता हूँ। अरे बेटा। हाँ तो क्या हुआ है, हमारी फ्रेंड तो है। हाय चंदा। अरे तुम लोग यहाँ, चलो आओ, चलो चलो अंदर चलो। अरे हम आओ ना, आओ बैठो। हाँ बैठ रही हूँ। बंकुलाल जरा हमारे लिए 4 कप कॉफी भेजना। तो क्या खबर है तुम लोगों की? बहुत बढ़िया, बहुत दिनों से सोच रही थी। ये तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। भोला की कोई खबर बात? हाँ हाँ बताओ तो जरा। अरे तुम भोला को सहन कैसे करती हो? बोलो मत, अब सुनो, बाद में सब कुछ नहीं बोल पाऊंगी। अब सुनो, मेरे भैया का उसके लिए जो प्रेम जागा है ना, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। सारा दिन यही रहता है, यही खाता है, यही पीता है, यही सोता है, सब कुछ यही करता है। मेरा तो सर चकरा रहा है, यकीन करो मुझे तो ये सब सहन ही नहीं होता। आप बंकुलाल कहाँ गया है? बंकुलाल तो बाजार गए, इसलिए मैं लेके आई। तुम लोग जरा बैठो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है ठीक है, तू जा। अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, देखो ना। थैंक यू। और क्या, अब तो सारी बात मालूम पड़ ही गई है। लग रहा है कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पर आखिर लेकिन बात क्या है? अरे बेटा, तूने मेरी कीमती पोशाक बर्बाद कर दी। बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे इस बार माफ कर दो। तो उम्र हो गई है तो लोगों के घरों में काम करने की जरूरत क्या है? मेरी कीमती पोशाक तूने बर्बाद कर दी, इसका दाम कौन देगा बता? इडियट। ये क्या कर रही हो तुम? तू जानती नहीं है चंद्राणी, तेरे घर की नौकरानी ने मेरी कीमती पोशाक बर्बाद कर दी है। माफी मांगो। माँ की उम्र की एक औरत पर तुम हाथ उठाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे एक ही बात बार बार कहनी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा माफी मांगो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। चलो। मौसी जी सुनिए, मेरे फ्रेंड लोगों ने जो आपसे बर्ताव किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं बेटा नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा बेटा, बिल्कुल बुरा नहीं लगा बेटा। ईश्वर तुमको हमेशा खुश रखे, खुश रखे। आओ माँ अंदर चलो। भैया। क्या माँ को लेके शहर घुमा के आ गए? हाँ हाँ घुमा आया। ओ माँ को मैं माता के मंदिर में लेके गया था। चंदा घर में नहीं है? वो कमरे में है, कमरे में है। बताइए क्या बात है? उसको प्रसाद देना है। कोई फायदा नहीं है। अरे प्रसाद खाना तो दूर की बात है, अरे चंदा तो देवी देवता भगवान पे विश्वास ही नहीं करती। क्या बोल रहे हो तुम? नहीं बेटा तुम गलत समझ रहे हो। इंसान के रूप में जन्म लेके भगवान पर विश्वास ना करे, भरोसा ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मेरा मन क्या कहता है पता है? चंदा को तुम ठीक से समझ नहीं पाए, अगर उसको तुम समझाते तो वो जरूर समझती। ठीक है माँ जी, आप भी एक बार समझा के देख लीजिए। ठीक है बेटा। रहने दो माँ। हाँ? कोई फायदा नहीं, भैया
अपनी बहन को हमसे ज्यादा जानते हैं। वो जो वैसा बोल रहे हैं तो नहीं बेटा, कई बार अपने लोग भी ठीक तरीके से पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। देखती हूँ माँ की क्या इच्छा है। सुनो बेटी, कुछ कहना है? हाँ, ये लो। नहीं, मैं प्रसाद नहीं खाती। क्यों बेटी? जिस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पूजा के नाम पर फल और मिठाई खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर कोई प्यार से कुछ दे, वो तो ले ही सकती हो ना बेटी। और वैसे भी मैं तुम्हारी माँ जैसे ही हूँ। संतान के मंगल के खातिर अगर माँ कुछ देती है और अगर तुम ना बोलोगी तो माँ को बुरा नहीं लगेगा बेटी। हाँ, और मैं सिर्फ भोला की माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी भी माँ। क्या अभी भी माँ को ना बोलोगी? आप सच कह रही हैं? सच में आज से मेरी माँ है? लो सुनो पगली की बात, मैं तो तेरी माँ ही हूँ, अब दूसरे की भी माँ बनाओगी क्या? तो ठीक है, आज से मैं भी प्रसाद खाऊंगी, आप ही खिला दीजिए। हाँ हाँ जरूर, चलो अब आ करो। मेरी प्यारी बेटी। बोकुलाल, ए बोकुलाल, बोकुलाल, अरे कहाँ पर हो तुम भला, बोलो तो। ओ बंकुलाल, अरे क्या बात है, इतनी तेजी से कहाँ भाग रहे हैं? अरे अरे छोड़ो छोड़ो, उतारो उतारो उतारो, इस बुढ़ापे में अगर गिर गया तो मेरा हाथ पैर सब टूट जाएगा, उतारो। क्या बात है बोलो तो जरा, मैं देख रहा हूँ भाई बहन दोनों ही एकदम पागल हो गए हैं। बाप रे बाप, हंस रहे हैं अब। अरे राज साहब, हंसना बंद करके सही बात बताइए कि आखिर हुआ क्या है? अरे बंकुलाल, चंदा ने आज प्रसाद खा लिया। क्या क्या खा ली? प्रसाद हो प्रसाद। क्या बोल रहे हैं राजबाबू, छोटी दीदी प्रसाद खा ली? गजब। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भोला की माजी ने चंदा को प्रसाद खिलाया। सच में सच में, ये तो गजब खबर सुना है राजबाबू। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, सब आपकी दया है बाबा। सच में बंकुलाल, लगता है कि आज सच में भगवान ने मेरी तरफ देखा है। मैं तो कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था कि मेरी चंदा। मैं तुम्हें बोला था ना कि देखना, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया ना, बोलिए। मुझे जितनी खुशी हो रही है ना बंकुलाल, मैं तुमको बोल के बता भी नहीं सकता हूँ। और इसके लिए भोला की माजी का एहसान मैं कभी भूलूंगा नहीं। बंकुलाल, मैं सारा जीवन उनका उनका आभारी रहूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा, हम सब तो निमित्त मात्र है, जो कुछ भी हुआ सब भोलेनाथ की कृपा है। एक बात जान लो बेटा, तुम्हारी बहन बहुत स्वाभिमानी है, उसके मन में कोई दुख है जिसके ऊपर वो पत्थर रख के जी रही है। जिस दिन वो पत्थर हट जाएगा ना, उस दिन तुम अपने बहन को एक नए रूप में देखोगे। सच कह रही है माँ जी? हाँ बेटा। लेकिन ये होगा कब? वो नहीं पता, इसका उत्तर तो समय ही देगा देवराज। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं। क्या हुआ तू अचानक यहाँ पर? क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? नहीं ये बात नहीं है, मतलब कि तू ये सब पसंद नहीं करती ना, इसलिए पूछ लिया। भैया पसंद तो मैं अब भी नहीं करती, लेकिन कल माँ ने जो एक अच्छी बात बताई इसलिए। ये तो समझ गया, लेकिन माई ये नहीं समझ आया। क्यों, इस घर में कितनी माएँ हैं? माँ, तू भोला के माँ के बारे में बात कर रही है? बिल्कुल नहीं, माँ ने खुद ही कहा है कि वो सिर्फ भोला की नहीं मेरी भी माँ है। वाह वाह, ये तो पासा ही पलट गया। क्या हुआ बेटा देवराज, हमें प्रसाद नहीं दोगे? क्यों? जरूर दूंगा। हाँ क्यों नहीं दूंगा, दो ये लीजिए।
भोला ये लो। क्या बेटा, चंदा बेटी को नहीं दिया? चंदा मतलब वो तो ये सब मतलब यही तुम लोगों में कमी है। तुम लोग कोई भी मेरी चंदा बेटी को पहचान नहीं पाए। ये लो। जाओ बेटा, सुबह से किसी ने भी नाश्ता नहीं किया है। दलान में बैठ, मैं बाके को बोल के चाय नाश्ता के इंतजाम करवाती हूँ। जाओ। कमाल हो गया। हुआ कुछ नहीं है, इनको वायरल फीवर है। चलो मैं दवा लिख देता हूँ, और अगर आपकी इच्छा हो तो एक ट्रेंड नर्स रख लीजिए। ठीक है जी, चलिए। नहीं नहीं हा? नर्स वर्स की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाबा, बेटी की देखभाल माँ नहीं करेगी तो और कौन करेगी? लेकिन माँ जी। हा? चलो, कोई नर्स की जरूरत नहीं है। चलिए चलिए। मैं हूँ ना, मेरी बेटी की देखभाल मैं खुद करूँगी। मैंने सब दवा लिख दिया है, आप जल्दी से यह दवा मंगा कर उन्हें खिला दीजिए। हाँ, जल्दी बाबू दीजिए, मैं लाता हूँ। डॉक्टर साहब आइए। हाँ चलिए। सारी दवाइयां हैं, जाओ लेके जाओ। मैं लेकर जाऊं? और जो डोज देने को कहा है वो खिला दो। ठीक है, जाओ ना जल्दी। अब कैसा लग रहा है बेटी? ठीक। जानती हो माँ, मेरी दीदी भी ना ठीक आप ही की तरह मुझसे प्यार करती थी तो वो मेरी बहन पर मैं थी उसकी बेटी और वो मेरी माँ। लेकिन इस निष्ठुर पत्थर के भगवान ने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। क्या हुआ था तुम्हारे दीदी के साथ? कुछ भी नहीं। आपने कभी आदमी के रूप में शैतान देखा है? मैंने देखा है। उस शैतान के दोनों पांव पकड़कर मैंने कितना कहा उससे कि मेरी दीदी को तकलीफ मत दो, उसे भी जीने दो। कितना गिड़गिड़ाई उस निष्ठुर पापी के सामने, उसने सुना नहीं। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, नहीं तो आपकी इस भगवान ने और ना ही इंसान के रूप में शैतान ने। तिल तिल करके उसने मेरी दीदी को मार दिया। इससे पहले तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे सामने मत आओ, हटो मेरे सामने से। तुम्हारी असलियत में सब जान गया हूँ। क्या जान गए हैं? क्या जान गया हूँ? जानना चाहती हो तो सुनो, तुम हो समस्त नारी जाति का अपमान कलंक। तुम जैसी औरत को अपनी पत्नी कहने में किसी भी मर्द को शर्म आएगी, मुझे भी आती है। अरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी लेके आओ। आ रही हूँ बाबा। ये लीजिए। अरे रुको रुको, पहले तुम खाओ। अरे नहीं, हटिए ना, अब आप खाइए। हाँ
हाँ चंद्रा बोल। दीदी मैं आऊँ? नहीं अभी मत आना। दीदी आज भैया घर पर नहीं है और मेरी सारी फ्रेंड्स लोग पिकनिक पर गई हैं। तुम्हारा एग्जाम है ना? तो क्या हुआ? थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रही हूँ, मैं आ रही हूँ दीदी। अच्छा ठीक है आ जा। इधर कुछ आता है। दीदी के पास जा रही हूँ। अंदर जाने का अनुमति नहीं है। अच्छा तुम्हारा मोबाइल देना तो मुझे दीदी को फोन करना है। मोबाइल दे दो। एक कॉल करने के लिए इतनी झिकझिक क्यों कर रहे हो? भाभी जी के ऑर्डर से नहीं छोड़ेंगे, साहब जी का ऑर्डर चाहिए। लेकिन बिपिन जीजू का नंबर तो मेरे पास नहीं है। उसमें हम क्या करेंगे, बाद में आओ। बाद में आऊँ तो ठीक है। असल में बात क्या है जानते हो, कि ये चूड़ी है ना मैंने नई खरीदी है, इसलिए मैं दीदी को दिखाने आई हूँ। बहुत स्टाइलिश है, बहुत बढ़िया है, तुम्हारे हाथ पे बहुत अच्छी दिखेगी, तुम पहनोगे? अब मैं जा सकती हूँ दीदी के पास। थैंक यू लालची। दीदी मैं आ गई। खाना पीना खाया कि नहीं? नहीं मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी। हाथ मुंह धो ले, मैं परोसती हूँ। दीदी तुमसे मिलकर ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं माँ से मिलती हूँ। चल हाँ बहादुर बोल। साहब जी वो आया हुआ है। अच्छा अरे बाबा कितने दिनों के बाद, मुझको तो लगा कि तू मुझको बिल्कुल। चंद्रा तू मुझसे कितना प्यार करती है? बहुत। कितना? इतना। अच्छा अच्छा लेकिन चंद्रा तुम्हारा ये जो प्यार है ना इसको कम करना पड़ेगा। क्यों? आज मैं हूँ तो तेरा सारा काम कर देती हूँ, अगर कल मैं नहीं रहूंगी तो। क्यों कहाँ जा रही हो तुम बताओ? माँ के पास। ऐसे मत बोलो दीदी। जीजा जी आप ऐसा क्यों करते हैं? तुम नहीं समझोगी। क्यों नहीं समझूंगी? अभी तुम बहुत छोटी हो। इतनी भी छोटी नहीं हूँ। नहीं समझोगी। अब दीदी के साथ ऐसा मत करो। मेरी दीदी तो बहुत अच्छी है। जानता हूँ बहुत अच्छी है। जीजा जी प्लीज मेरी दीदी के साथ ऐसा मत कीजिए, मेरी दीदी को तकलीफ होती है। जीजा जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। ये सब बातें सुनकर दीदी को बहुत तकलीफ होती है। बस प्लीज आप दीदी से ऐसी बातें मत कीजिए। तुम अभी बहुत छोटी हो। नहीं मैं छोटी नहीं हूँ। अपने घर जा। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बकवास बंद करो। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुम क्या समझती हो अपनी दीदी को? बहुत अच्छी है मेरी दीदी। सती सावित्री। हाँ। हाँ। हुआ तुलसी पत्ता। हाँ, पवित्र है मेरी दीदी। बहुत अच्छी है। हाँ। मेरी जिंदगी को तबाह कर देने वाली, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है उसकी जिंदगी भी मैं बर्बाद कर दूंगा। जीजा जी नहीं। उसकी जिंदगी भी मैं बर्बाद कर दूंगा। हे भगवान तुम तो सब कुछ जानते हो, मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी दीदी को अच्छे से रखना, मेरी दीदी बहुत अच्छी है, तुम तो जानते हो मेरी दीदी का कोई दोष नहीं है। मेरी दीदी बड़ी अच्छी है, सारा कसूर छोटी बहन के सामने तो चुप रही है। उसे पता नहीं था क्या? तुम उसे इतना दुख क्यों दे रहे हो? तुम ही जीजा से कुछ कहो ना। हे भगवान मेरी दीदी को और दुख मत दो। दीदी की लाडली। दीदी तुम ठीक तो हो ना? तुम चिंता मत करो, मैं जीजा जी के साथ बात करूंगी। आज ऑफिस में कोई टेंशन होगा ना इसलिए।
अब जरा हंस दो दीदी, हंसो। हंसो ना दीदी। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना, अब हंस दो, टेंशन मत लो, हंसो ना मेरी प्यारी दीदी। अरे लखन, क्या हालचाल है? अरे बैठ बैठ भैया, चैलेंज कर, गॉड ब्लेस यू। वाह, और कब आए? मुझे आए तो काफी दिन हो गए, लेकिन आप भी कमाल के हो। 15 दिन से अपना मोबाइल बंद कर रखा है। मोबाइल बंद? अच्छा तेरे पास दूसरा नंबर है ना? मेरे पास नहीं है भैया, लेकिन कल भी आपका मोबाइल बंद था। कल मतलब तुम कल घर आए थे? हाँ, कब? कल सुबह से मैं आपके घर पे आके बैठा था, लेकिन आप लंच पे भी घर नहीं आए। तू कब आया था? सुबह 10 बजे आया था आपके पास। कल सवेरे तू आया था? हाँ, मैं ही तो था। कितने बजे? अरे बाबा 10 बजे बोला तो। कितनी देर तक रहा? अरे बहादुर ने तो मुझे छोड़ा था शाम को। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ भैया, तबीयत तो ठीक है ना? बताइए ना भैया। लखन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भैया हुआ क्या? मैंने तुम्हारी भाभी को गलत समझ लिया। क्या? मैंने उस पर शक किया। क्या बोल रहे हैं भैया? मैं माफी मांग लूंगा उससे। मैं अब क्या करूं? कौन सा मुंह लेकर उसके सामने जाऊं? एक मिनट भैया। हेलो। हाँ भैया, कहाँ है? भैया तो मेरे साथ हैं। भाभी जी बहुत सीरियस है, जल्दी आ जाओ। अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। भैया भाभी की तबीयत खराब है, हमें अभी चलना पड़ेगा। दीदी! 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 नहीं, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। सी इज डेड। अब लोग एक काम कीजिए, किसी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं डेथ सर्टिफिकेट दे देता हूँ। डॉक्टर साहब। हैं, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। असल में इतना सारा स्लीपिंग पिल खा गई कि कुछ किया ही नहीं जा सकता। और हाँ, अंतिम समय यह चिट्ठी छोड़कर गई हैं, मैं बाहर बैठता हूँ। आपका विश्वास खोकर जी नहीं सकती, जा रही हूँ। तुम्हारी दीदी ने ये क्या किया? छूना मत, ये सिर्फ मेरी दीदी नहीं, मेरी माँ भी थी। आज आपने मेरी माँ को मार दिया। छूना मत, आप अपने गंदे हाथ से मेरी माँ को छूना मत। ऐसे मत बोलो चंद्रानी। छूना मत, डोंट टच। तुम सब आदमी लोग एक जैसे होते हो, छूना मत। देखो जरा देखो, पछता रहे हैं। ये क्या पछताएंगे? तुम नहीं जानते हो लखन भैया, मेरी दीदी के लिए मैंने जीजा जी के सामने कितना गिड़गिड़ाई, कितना कहा कि दीदी को रुलाना मत, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सुना, ना ही इन्होंने और ना ही उस भगवान ने। उस भगवान के सामने मेरी दीदी ने न जाने कितने कष्ट उठाए। चले जाओ तुम लोग सब, मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं रहा, उस भगवान पर भी नहीं, कोई भी विश्वास के लायक नहीं है, झूठ है सब, मेरी दीदी चली गई। लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। इंद्राणी, अब मेरा क्या होगा? नहीं बचा सकी दीदी को, उस शैतान के हाथों से नहीं बचा सकी मैं। भैया उस समय काम की वजह से बाहर रहते थे, मुझे अकेली से भला दीदी को रोज रोज उस शैतान के हाथों से बचाना कैसे संभव था? विश्वास करो माँ, बस उसी दिन से भगवान, ठाकुर, देवता सभी के ऊपर से विश्वास, प्रेम, प्यार, श्रद्धा सब खत्म हो गया। ये कैसा भगवान है जो अत्याचार से बचा ही नहीं सकता और ना ही अत्याचारी को गुनाह की सजा दे सकता। अब समझ में आया तू ऐसे क्यों थी। मर्द जात से मुझे घृणा हो गई। वो सभी जो ऐशो आराम से रहते हैं, प्रेम प्यार के नाम पर सारे मर्द सिर्फ दुख देना जानते हैं, और इसलिए आज तक जब भी किसी लड़के को मैं देखती हूँ, अपने हाथ की चूड़ी पहनाकर उसे अपना गुलाम बना के रखना चाहती हूँ। उन्होंने तो ठीक ही कहा है, हम जिससे प्यार करते हैं कई बार वो आदमी हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हम ही उसको पहचान नहीं पाते। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
तुम सब लोग अच्छी तरह से जानती हो कि मर्द जात के नाम से मुझे कितनी घृणा होती है, और उन्हीं में से कोई आकर मेरे दिल में घर कर जाएगा। हो सकता है कि कोई आ गया हो। रबीश ठीक ही तो कह रही है, और हमारी बात पे अगर विश्वास ना हो तो अपने मन में झांक कर देख लो। मन के अंदर कैसे झांकूं? अपनी आंखें बंद करके एक बार सोचो, अगर सच में कोई तुम्हारे दिल में है तब तो उसकी छवि जरूर एक बार तुम्हारे दिल में साफ दिखाई देगी। हाँ, हाँ, अपनी आंखें बंद करो। अरे अरे करके तो देखो, करो देखो। कहाँ गया? समझ गई, इसका मतलब तुम इतनी देर से अपनी आंखें बंद करके भोला को ही देख रही थी, यही ना? लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? मैं तो उसे जरा भी पसंद नहीं करती। बोल नहीं सकते हैं, ये मन कब किसकी छवि अपने मन में बसा ले कुछ नहीं कह सकते। बंकुलाल, बंकुलाल भोला कहाँ गया है? ये क्या चंदा बहन, तुम्हें पता नहीं है? नहीं। भोला बाबू तो आज ही माँ को लेकर चले गए। चला गया? हाँ। कहाँ चला गया? अपने गांव में चले गए। गांव चला गया? कैसे? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। भोला के बारे में तुमने कभी कुछ जानने की कोशिश की है? जानना चाहोगी? यहाँ पर पढ़ने के लिए आना ही भोला का खाली उद्देश्य नहीं था, उसका कोई दूसरा उद्देश्य भी था। ये कह सकती हो कि मैं ही भोला को यहाँ लेकर आया था। आपने? हाँ मैं ही, क्योंकि दिन पर दिन तू बर्बाद होती जा रही थी, भगवान के ऊपर तुम्हारा एकदम विश्वास नहीं था, ये सब देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही थी। और ठीक उसी वक्त एक खास काम के लिए मैं चौधरी साहब के घर पर गया था, जहाँ मेरी मुलाकात भोला से हुई। मैंने और चौधरी साहब ने प्लान करके भोला को यहाँ पर भेजा, तुम्हारे कॉलेज में भेजा, अपने घर में रखा, जिससे कि हर समय भोला तुम्हारे आसपास ही रहे। और इस बात को मैं, चौधरी साहब और भोला के अलावा कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि बंगुलाल भी नहीं जानता था। यहाँ आने के बाद भोला तुम्हारे आसपास ही रहने लगा, लेकिन मुझे धीरे धीरे सब समझ में आने लगा कि भोला से तो तुम ऊपर ऊपर से गुस्सा दिखाती हो, पर अंदर ही अंदर से तुम भोला को पसंद करने लगी हो। इसका मतलब ये हुआ कि मर्द लोग से तुम्हारी घृणा धीरे धीरे खत्म होने लगी है। और ठीक उसी समय भोला की माँ हमारे घर पर आ गई। माँ ने अपना स्नेह प्यार दुलार लुटा के पत्थर पे फूल उगा दिया, असंभव संभव हो गया। जो तूने किसी दिन भी ईश्वर पे विश्वास नहीं किया था, वहीं तूने हाथ बढ़ा के भगवान का प्रसाद लेके खाया। ये कोई कम बात है क्या? लेकिन अब भोला गाँव वापस गया ही क्यों? भोला हो सकता था कि पढ़ाई खत्म करके यहाँ से चले जाता, लेकिन आज सुबह चौधरी साहब के घर से फोन आया था। चौधरी साहब बहुत बीमार पड़ गए हैं, आखिरी वक्त में उनकी भोला से मिलने की बहुत इच्छा है। चौधरी साहब के तो और कोई नहीं है, इसलिए भोला के नाम पर वो सब कुछ कर देना चाहते हैं। और इसलिए भोला अपनी माँ को लेकर रवाना हो गया। लेकिन भैया मैं भोला को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसके साथ मेरा लेन देन बाकी है। लेन देन मतलब? वो आप नहीं समझेंगे। आप सिर्फ मुझे एक बात बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ तो मुझे भोला मिलेगा। तुम जरा रुको। थैंक यू, चलता हूं। तुम यहाँ? हाँ यहाँ। छोड़ो, आज तुझसे सारे अपमान का बदला लेना है। चल यहाँ से। चंद्रा को छोड़ दे, मेरी चंद्रा को छोड़ दे, चल मेरे साथ, छोड़ मुझे, चंद्रा को छोड़।
मुझे छोड़ो मुझे छोड़ चंद्रा को चल चल छोड़ चंद्रा को चंद्रा चंद्रा छोड़ जाओ छोड़ जी चंदा उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाइए। हाँ हाँ चलो माँ हाँ, चलो चलते उठो बोला उठो डॉक्टर के पास, वो तेरे पास ही है, तो उनको मन से पुकार, वो निश्चित ही सुनेंगे। हाँ, एक बार बाबा के पास जाकर कोशिश करनी चाहिए। जा तू देर मत कर, तू जा।
बेचैन हो गया बाबा तेरी दया से भाग जो खुल जाए मेरे मठ पूजा का तुमान रखेगा भोले बाबा दयाल बाबा पार करेगा भोले बाबा दयाल बाबा पार करेगा बम 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 भोले बम तारक बम भोले बम 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 भोले बम तारक बम भोले बम 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 भोले बम तारक बम भोले बम 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 भोले बम तारक बम भोले बम जवानी में मर गया अब इसके परिवार का क्या होगा नहीं। मैंने कहा था ना आपसे कि ये सब झूठ है नहीं ये नहीं हो सकता ये भगवान श्रद्धा विश्वास सब कुछ झूठ है ये कैसे संभव है इतने दिनों तक मुझे रुलाया आज आपको भी रुला दिया ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास भक्ति यदि मनुष्य को रुलाए तब दुनिया में आस्तिक लोग रहेंगे नहीं ये नहीं हो सकता तो फिर तुम कहाँ हो तुम हे महादेव कहाँ हो तुम महादेव कहाँ हो तुम कहाँ हो तुम क्या तुम्हें सुनाई नहीं देती उस नारी की पुकार स्वर्ग धरती पाताल सबको ये मालूम है कि भगवान शिव के पास आने के बाद कोई खाली हाथ नहीं जाता तो फिर आज ये कैसा इशारा है तब क्या इस धरती के साथ साथ आज स्वर्ग लोक भी समाप्त हो जाएगा शांत शांत हो जाओ पार्वती शांत हो जाओ आजकल पृथ्वी पर मनुष्य अज्ञानी अबोध है वो नहीं जानते पर आप तो जानती हो पार्वती अंधेरे के गर्भ से निकलकर अचानक रोशनी सहन नहीं होती थोड़ा समय लगता है बिना परिश्रम से कुछ मिल जाए तो उसका मूल्य नहीं रहता यही है सृष्टि का नियम तुम गलत समझ रही हो मेरे आंखों में आंसू दुख के नहीं ये तो आनंद के आंसू है आनंद के मतलब आनंद से मेरे आंखों से देख आंसू निकल पड़े बोला जरा सुनो ये पगली की बात अरे स्वयं भोलेनाथ जिसकी सहायता करे उसका कोई कुछ बिगाड़ सकते है क्या ना रे बेटे ना भोला अभी कहाँ है माँ भोला हाँ? वो रहा जय बाबा भोलेनाथ जय बाबा भोलेनाथ जय बाबा भोलेनाथ बाबा भोलेनाथ आपकी लीला अपार है बाबा भोलेनाथ ये सत्य है धन्य हो प्रभु धन्य हो आज भोलेनाथ की कृपा से फिर से आदमी लोगों में ईश्वर के प्रति विश्वास जाग उठा है और भक्तों में चेतना भी जाग उठी इसके बाद ईश्वर का कोई भी भक्त जन बिल्कुल असहाय ना रहे विपदा ना आए उसका उत्तरदायित्व आप लोगों के ऊपर रहेगा जैसी भोलेनाथ की इच्छा।